हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला मैं पूजा अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और महिला दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी महिलाओं को। तो अभी मैं करती हूँ मंदिर में पूजा, क्योंकि अभी इशू नीचे है। पहले मेरे सास और ससुर जी ने कर लिए पूजा, तब तक इशू को मैं पकड़ती हूँ नीचे। अभी वो पकड़ेंगे तो अभी मैं करती हूँ पूजा। तो देखो अब करते हैं आरती फटाफट, उसके बाद अभी कहीं जाएंगे मंदिर में, तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ कौन से मंदिर गए थे, कहाँ का मंदिर गए थे। तो मेरी हो गई है पूजा, अब करती हूँ कुछ काम नीचे का, कपड़े वपड़े धोने हैं। तो उसके बाद चलते हैं मंदिर की ओर। कौन से मंदिर जाएंगे उसी टाइम पे बताऊँगी आपको जब मंदिर जाऊँगी। तो अभी कोई कन्फर्म भी नहीं है कि जाएंगे करके। तो फिर हम गए थे चार धाम मंदिर, जो कि हल्द्वानी, लामा चौड़, फतेहपुर वाले रोड पे पड़ता है ये चार धाम वाला मंदिर। तो हमारे वहाँ से सबसे नज़दीक यही होता है, तो हम यहीं पर आते हैं जल चढ़ाने के लिए शिवरात्रि पे या कोई भी और दिन कोई भी व्रत होता है मतलब, तो हम यहीं पर आते हैं। और ये मंदिर बहुत अच्छा है, इसकी भी बहुत मान्यता है। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर, तो हम इतनी लंबी लंबी लाइन पर लगे हैं। अभी हम सबसे लास्ट में हैं, तो अभी हमारा नंबर आने का बहुत टाइम है। तो उसके बाद हमको दूसरी लाइन पर भी जाना है, और हर जगह पर लाइन बनी हुई है ना। देखो यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और राधा कृष्ण का मंदिर, लक्ष्मी माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, सब कुछ है यहाँ पे। तो देखो आप कितनी भीड़ है इस मंदिर में भी, देखो। और मंदिर भी बहुत अच्छा है और नज़दीक भी है हमारा, ये देखो। और यहाँ पे अभी भागवत भी चले हैं, इसलिए यहाँ पे पूरा ऐसा सजाया है, भागवत भी हो रही भी साथ साथ में। यहाँ पे बगल में लगाया है भागवत का पंडाल, ये देखो यहाँ पे सारे बाबा लोग बैठे हैं। गोल्डन मन लाइन में कब से खड़े हुए थे, कम से कम आधा घंटे से ऊपर तो हमको फर्स्ट लाइन में हो गया है, और अभी दूसरी लाइन में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। दूसरी लाइन तो और भी लंबी है, उसके बाद हमको लास्ट में ही लगना पड़ेगा। ये देखो ठीक है, देखो तुम तो आप देख सकते हैं सूर्य लाइन पे कितनी भीड़ है, अंदर देखो पूरा भरा हुआ है, पूरा इतनी भीड़ है वहाँ पे लोगों की खींचने के लिए जगह नहीं हो रही है। तो अभी हम पहुँचने वाले ही हैं नज़दीक, ये देखो अभी हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। लाइन लग गया कब से नज़दीक पहुँचने वाले में, तो फटाफट यहाँ के दर्शन करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया, अभी 11 बज गए लगभग। धूप तो आज बहुत खतरनाक है, धूप भी बहुत लग रही है। ये देखो ये देखो मेरे पीछे से लाइन, वो रोड में तक ही गई है सही लाइन आज तो, बाप रे पूछो मत। ये देखो यहाँ पे सब लोगों ने प्रसाद चढ़ाया है, ये बेलपत्री हो गई, बेल हो गई। अभी तो मैं पहुँचने वाली हूँ मंदिर के अंदर, तो फाइनल। तो अब हमारी पहली लाइन हो गई है ख़त्म, तो हम वहाँ पे पानी चढ़ा के आगे और दर्शन करके आगे भगवान जी का। तो अब लग गए हम दूसरी लाइन पे, तो अब यहाँ लगेगा हमको 1 घंटा और, क्योंकि ये तो और ख़तरनाक वाली बहुत लंबी लाइन है भाई। लोगों की भीड़ देखो तुम पहले, ये देखो यहाँ पे दो भी नहीं, तीन तीन लाइन बन चुकी है इस अंदर जाने के लिए। ये देखो ये है केदारधाम वाला मंदिर। तो हमारे दूसरे लाइन भी ख़त्म होने वाले हैं, फाइनली हम मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। ये देखो अभी यहाँ पे भी कितनी भीड़ है, देखो अभी इसे यहाँ से वहाँ अंदर जाने तक हमको कम से कम आधा घंटा लगेगा, अभी इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो देखो कितनी भीड़ है भाई आज, ये देखो। तो यहाँ पे भी कीर्तन बोलने लगे थे जितने भी औरतें हैं, और हम सब लोग वहाँ पर बोल रहे थे, पहाड़ी भजन चले थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे
हम कितनी लंबी लाइन से आ रहे थे, तो मंदिर के सामने पहुंचने वाले थे, फिर भी इतनी भीड़ ना, क्योंकि तीन तीन चार चार लाइन हो गई यहाँ पे, सारे एक साथ हो गए ना, इसलिए टाइम लग रहा है, और अंदर छोटा सा है ना, जगह कम है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो हम पहुँच गए, अब करते हैं दर्शन भगवान जी के, उसके बाद चलते हैं भी घर की ओर, क्योंकि अब बज चुके हैं 11:30। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।